ओम शांति। आज है 10 अप्रैल 2022। मुरली का सार, उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन, भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन हैं सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। यह सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है नया और पुराना। वरदान, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति की ज्ञाता भी बनो। स्लोगन, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। ओम शांति।